अगर आपको पता चले जी। शुक्रिया अजय जी। देवांशी आई विल कम टू यू। क्या है आपके हासिल एक पत्रकार के तौर पर, आपने क्या सीखा इन चुनाव को कवर करते हुए, फिर नतीजों की बारीकियों को देखते हुए, बताइए। मुझे लगा कि गुजरात की जनता ने बहुत अच्छे टीचर की तरह सबको मैथमेटिक्स सिखाया इतने सालों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, तो वो समझते हैं कि उनको कहाँ लॉजिक लगाना है। हम जैसे हमने पिछले नेता नगरी में डिस्कस किया था कि उनको सब पता था कि कहाँ निर्दलीय खड़ा करना है, कहाँ ज्यादा वोटिंग से उनको फायदा हो सकता है, कौन लोग है जो उनके उनकी बातों पे भरोसा करते हैं, तो वो सब लॉजिक उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। और कांग्रेस को तो जनता ने बहुत अच्छे से बहुत बार सिखाया, चांसेस भी दिए, लेकिन कांग्रेस अगर खुद नहीं लड़ना चाहती तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पहले चुनाव में भी उनकी बहुत सारी गलतियां दिखी कि उन्होंने पूरा सेंटर एपिसेंटर बना के रखा था सूरत को, और उनके वोट सबसे ज्यादा आए हैं आदिवासी इलाकों में। और हम जब कवरेज के लिए जाते थे तो हमें ये समझ में आता था कि आदिवासी इलाकों में भी आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है, अंदरूनी गांवों में पहुंच चुकी है, तो उनको समझ में नहीं आया होगा, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। तो शायद पता नहीं उनके पास क्या लॉजिक रहे, लेकिन उन्होंने वहां पे कांग्रेस को खत्म किया। वो सेकंड पोजीशन पे है, दाहोद की ऑलमोस्ट सीट ऐसी है, लिमखेड़ा जैसी सीट जहाँ बहुत क्लोज मार्जिन पे है, जहां जीत कर आए वो चैतर बसावा वाली सीट हो या बाकी सब, तो कहीं पे आम आदमी पार्टी ने कोई ज्यादा परिश्रम नहीं किया था। अरविंद केजरीवाल ने दाहोद में जनसभाएं की हो या रैलियां की हो ऐसा भी नहीं दिखा था, उसके बावजूद सब जगह पे आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट सेकेंड पोजीशन पे पहुंची है बहुत सारी सीटों में, तो उसमें ये सारी सीटें भी है। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत इग्नोर किया उस इलाके को जो जो पूरा क्षेत्र आम आदमी पार्टी की फेवर में जा रहा था। उन्होंने क्यों किया होगा, उसके पीछे की वजह मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा की तरह है कि उनको बहुत कुछ समझ में आता है कि कहाँ उनके कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं, सर्वेस की बात करते हैं वो बार बार, लेकिन इस बार उनका बहुत इग्नोरेंस दिखा इस चुनाव में। तो शायद उनका इंटेंशन ही ऐसा था कि हमें नेशनल पार्टी बनना है, उसके तक सीमित रहना है, और एक नैरेटिव सेट कर रहे थे बार बार कि कांग्रेस तो पांच में खत्म हो रही है तो आप हमें वोट दे दीजिए। तो बहुत सारी जगह पैसा हुआ कि बहुत सारे वोट जहां कांग्रेस जीत सकती थी चुनाव को आम आदमी पार्टी में डाइवर्ट हुए, कांग्रेस चुनाव हार गई। शहरों में कांग्रेस कभी नहीं जीती, मतलब आप जैसे घाटलोडिया जो सीट है जहां सीएम लड़े थे, तो वहां पे अमीबेन याग्निक तो राज्यसभा की सांसद है और यहाँ पे है, लेकिन उनका प्रचार कभी नहीं दिखा। सामने जो डॉक्टर विजय पटेल आम आदमी पार्टी के थे तो उनके और अमीबेन के वोट में थोड़ा भी गैप होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट मतलब 6-7% वोट लेकर खत्म हो रहे हैं और बाकी सब वोट जा रहे हैं सीएम की ओर, और ऐसा शहर की ऑलमोस्ट सीटों पे है, तो वो भी एक फैक्टर दिखा। और कांग्रेस का तो आखिर में क्या है कि कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी आई और हम खत्म हो गए, उनकी वजह से हम सीट हार रहे हैं। तो वैसे इसुदान भी ऐसा कह सकते हैं कि मैं विक्रम मैडम की वजह से चुनाव हार गया, अगर वो नहीं लड़ते तो मैं जीत जाता। तो पॉलिटिक्स में ऐसे आप ऐसे बहाने नहीं बना सकते कि कोई आया इसलिए मैं हार गया, आपको खुद को भी लड़ना पड़ेगा। इसुदान सेकंड पे है, विक्रम मैडम इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद थर्ड पे है, तो कांग्रेस को इस हार की वजह आम आदमी पार्टी में ढूंढने की वजह खुद में, खुद की मेहनत में, उन सब में ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने सिर्फ दो चुनाव कवर किए हैं, 2017 का देखा था, 2022 का देखा, बाकी सबके बारे में मैंने पढ़ाई की है तो या फिर सुना है पत्रकारों से। तो एक बात बहुत क्लियर है कि 2022 में से गुजरात की राजनीति एक बहुत बड़ा टर्न ले रही है, ऑलमोस्ट 30 सालों से सेम टाइप के रिजल्ट्स आते रहते थे, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ये दर्शाती है कि अगर 5 साल तक कोई भी विपक्ष टिक कर रह पाया लड़ेंगे, तो देश का और गुजरात का भी राजनीतिक इतिहास यही कहता है कि जब बहुत ज्यादा नंबर्स आते हैं तो जीत किने के बाद संभाल कर रहना, जनता के मुद्दों को सुनना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष में कोई नहीं है, विपक्ष में कोई नहीं होता तो जनता विपक्षी की तरह सोचती है, वो सरकार से थोड़ी जवाबदेही चाहती है कि सरकार हर चीज में जवाब दे। तो गुजरात में माधव सिंह सोलंकी 149 जीत कर आए थे और उसके बाद उनका डाउनफॉल थोड़े महीनों में ही शुरू हो गया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है तो इतिहास हम समझते हैं, तो हमसे ज्यादा वो कई गुना अच्छा समझते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो पिछले 5 सालों में परेशानियां देखने को मिली थी वो शायद कम देखने को मिलेगी,
और अगर सरकार वैसी ही बेफिक्राई वाली नीति अगर दोहराती है तो फिर इस बार विपक्ष में जनता रहेगी, क्योंकि जनता जब बहुत ज्यादा वोट देती है तो फिर बहुत ज्यादा सवाल भी पूछती है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट, और इसी से मेरा अगला सवाल उपज रहा है। महेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा था कि अब उनको नेतृत्व का भी संकट होगा क्या, क्योंकि ईसुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया दोनों चुनाव हार गए हैं। फोकस जाहिर सी बात है कि उन 5 विधायकों पर रहेगा जो बीजेपी की इस बड़ी लहर में भी चुनाव जीत कर आए हैं। महेश लांगा, जो नेतृत्व जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ डेवलप किया, ईसुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, फिर वो पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के लोगों को लिया, जो धार्मिक मालविया एंड अल्पेश कथीरिया थे, वो सब तो चुनाव हार गए। चुनाव जीते हैं बहुत अननोन फेसेस है, जो बोटाद से जीता किसी को पता नहीं कि कौन है, जो विसावदर से जीता वो भी अगेन वेरी अननोन फेस, लोकल फेस, बट किसी को पता नहीं कि ये आदमी कौन है। एंड विसावदर का एमएलए तो कांग्रेस का था जो 2 महीने पहले ही बीजेपी में गया, जो अजय भाई ने बताया कि 2017 से 2022 के बीच 25 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में गए, और 2017 जो अहमद पटेल का जो इलेक्शन था, राज्यसभा का इलेक्शन अगस्त 2017, वहां से 2022 इलेक्शन को देखिए तो करीब करीब 45 एमएलए कांग्रेस के बीजेपी में गए हैं। तो कांग्रेस तो विसावदर में वो चुनाव जो जीता है। बाकी जो एक चैत्र वसावा है, वेरी वेल नोन फेस इन भरूच एंड नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, बट अब आप देखिए कि आयरोनिकली चैत्र वसावा वॉज लुकिंग फॉर ए टिकट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस पीपल डिनाइड हिम। दे सेड कि भाई हम पहले छोटू भाई से समझौता करेंगे इन बाद में डिसाइड करेंगे। देन दैट फेलो वेंट टू द आम आदमी पार्टी, गॉट ए टिकट एंड वॉन ए लैंडस्लाइड मैंडेट। सिमिलरली इन भावनगर सीट गारियाधार, दैट एमएलए दैट सुधीर वाघाणी हु वन द यू नो असेंबली इलेक्शन, he was looking for a congress ticket and probably Shakti Singh Gohil denied that no he is compromised with BJP, we should not give him a ticket, he is Patel and will after winning the election he will join BJP, and that fellow went to the Aam Aadmi Party and won the election. So abhi Aam Aadmi Party ke jo 5 chehre usme se Chaitra ek hi hai jo thoda tribal ilakon mein well known face hai. बाकी दूसरे 4 एमएलए है उसका तो कोई बियॉन्ड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई वो दे आर नॉट नॉन फेस। अभी जो देवांशी ने बात की कि जो ये इट्स इज वेरी इंट्रीग्यूइंग दैट व्हाई आम आदमी पार्टी डिड नॉट फोकस ऑन ट्राइबल सीट्स ओनली। देर आर 27 ट्राइबल रिजॉर्ट सीट्स इन गुजरात। ये 10 सीट में आम आदमी पार्टी इज नंबर 2 इन दोस ट्राइबल सीट्स। दे कुड हैव वन ट्राइबल सीट्स हैंड्स डाउन बिकॉज इतना मैसिव अंडरकरंट कांग्रेस के खिलाफ था। बीजेपी जीती है ओनली बिकॉज कांग्रेस के खिलाफ इतना मैसिव अंडरकरंट था एंड आम आदमी पार्टी ने शायद पता नहीं डेलिबरेटली या बाय डिफॉल्ट इतना फोकस नहीं किया जितना फोकस उसने सूरत में किया और सौराष्ट्र में किया। अगर 15-20 ट्राइबल सीट पे आम आदमी पार्टी ने फोकस किया होता विथ ऑल देयर माइट एंड रिसोर्सेज they could have won most of those seats. Thank you, Mahesh. तो अब आम आदमी पार्टी को देखना होगा कि उसका ये लीडरशिप जो हार चुकी उसको क्या करे, और जो 5 विधायक जो जीत के आए हैं असेंबली में उसको आगे करे, और जो ईसुदान एंड गोपाल इटालिया एंड अल्पेश कथीरिया को बैकग्राउंड में रखे, या वो आम आदमी पार्टी को एक एंड इट विल बी वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अरविंद केजरीवाल टू काइंड ऑफ एग्जीक्यूट।